अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू शो कुक विद क्रिस्पो। क्रिस्पो पास्ता फैमिली फेवरेट क्रिस्पो रेंजेस, स्पेगेटी पास्ता, मैक्रोनी जेली, कस्टर्ड वर्मिसली और सूप की। जी जनाब, तो मैं फिर एक बार फिर हाजिर हूँ और रमज़ान चल रहे हैं और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और साथ साथ आज भी हम बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुश नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मेरी आज फेवरेट डिश बन रही है और आज बन रहे हैं जी खौसे बन रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे एक जेली वेली ड्रिंक। आज हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉबेरी जेली और साथ साथ कुछ बेरीज और कुछ बनाएंगे मज़ेदार सी रमज़ान की रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो है वो हम बनाएंगे एक अदर सैलड। इंस्टा मैक कुकिंग का क्विक हैक, इंस्टा मैक। इंस्टा मैक जो है वो क्या प्रोडक्ट है? इंस्टा मैक हमारी प्रोडक्ट है जिस इसके दो फ्लेवर्स हैं, एक इसका फ्लेवर है स्पाइसी और एक इसका फ्लेवर है क्रीमी। इसके अंदर से निकलता है एक पैकेट, उससे हम बनाते हैं एक मज़ेदार सी सॉस। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको बनाते हैं और उससे हम बना सकते हैं, आप सिर्फ इंस्टा मैक प्लेन भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रमज़ान स्पेशल मैं बना रही हूँ खौसे बना रही हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए क्रिस्पो पास्ता की स्पेगेटी चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास है 1 पैकेट स्पेगेटी क्रिस्पो पास्ता की। सबसे पहले अपने स्टोव को ऑन करेंगे। पानी मैंने इसमें ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ था। तो जब भी हम कोई भी पास्ता बना रहे होते हैं, बॉयल कर रहे होते हैं या स्पेगेटी बना रहे होते हैं, कुछ भी हम क्रिस्पो पास्ता का फैमिली फेवरेट कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें पानी को बॉयल करना होता है। जब हल्के हल्के बबल्स आने लगे, सिमरिंग पॉइंट हो, तो आप जो है वो स्पेगेटी इसके अंदर ऐड कर दें। और यहाँ पर मैं ये देखें स्पेगेटी ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, और नमक मैंने ले लिया है। नमक आप इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून इसके अंदर आप ऐड करें। साथ साथ हम इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और इसके साथ ही साथ जब तक हमारा ये स्पेगेटी बॉयल हो रही है, जब तक हमने इसकी कड़ी तैयार करनी है, तो कड़ी की प्रिपरेशन की जाने पर जाते हैं। चलें जी, अब हम जो है वो क्या करेंगे, कड़ी की करेंगे हम मिक्सिंग। मिक्सिंग के लिए हमने लिया है 1/2 कप बेसन और 1/2 कप हमने ली है दही। ठीक है, इसके तरीके आप चाहें तो ब्लेंडर में इसको मिक्स कर लें, लेकिन चाहें तो आप इसको हैंड विस्क की मदद से कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। 1/2 कप बेसन इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी लेंगे। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम लम्स वगैरह इसके अंदर से बिल्कुल निकल जाए। ये मिक्स हो गया। अब आप एक पैन को गरम कर लें, उसके अंदर इसे ऐड करें और इस तरह से विस्क चलाएं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर बेसिक से कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च ले लेते हैं हम अराउंड 1 टेबल स्पून, चाट मसाला अराउंड 1 टेबल स्पून, हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर। बस अब हमने क्या करना है, ये अपना पकती रहेगी। ठीक है, अब हम चिकन के सालन की तरफ आ जाएंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। ये अपना जो है वो अपने हिसाब से पकती रहेगी। थोड़े से इसमें हम कड़ी लीव्स डाल देते हैं ताकि कड़ी है तो कड़ी में ज़रा कड़ी पत्ते की जो है फ्रेग्रेंस आ जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पर कोकोनट कड़ी खौसे। अब हम आ जाते हैं चिकन के सालन की जानिब। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो ऑयल मैंने डाल दिया है 1/4 कप अराउंड, आपने ऑयल इसके अंदर ऐड करना है। और साथ ही साथ हम जो है इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कुछ झटपट से इंग्रेडिएंट्स, और साथ साथ मैं आपको क्रिस्पो की रेंज के बारे में बता रही हूँ, तो वो भी मैं बताती चलती हूँ। क्रिस्पो की जो रेंज है, क्रिस्पो के 5 फ्लेवर्स ऑफ जेली हैं, 5 फ्लेवर्स ऑफ कस्टर्ड के हैं, इंस्टेंट हमारा खीर मिक्स है, इंस्टेंट फालूदा है हमारा, इंस्टा मैक के 2 फ्लेवर्स हैं। इंस्टा मैक के फ्लेवर्स कौन कौन से हैं जी जनाब? तो हमारे पास इंस्टा मैक का फ्लेवर है स्पाइसी और क्रीमी, यानी कि जब भी आपको झटपट भूख लगे तो आपने क्या करना है, इंस्टा मैक निकालना है और अच्छा सा बनाना है। आप सिंपल भी अगर इंस्टा मैक बनाते हैं ना, तो भी वो बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है।
अच्छा अब बारी आ गई है इसके अंदर ये डालने की, हम डाल रहे हैं इसके अंदर कीमा, ठीक है, प्याज और कीमा भुनेगा। तो हमारा पेज है क्रिस्पो पास्ता के नाम से, फेसबुक पेज है क्रिस्पो पास्ता के नाम से, इंस्टाग्राम अकाउंट है क्रिस्पो पास्ता के नाम से, हमारा यूट्यूब चैनल है, सो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पेजेस को लाइक और फॉलो कर लीजिए। हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी, स्नैप योर अफ्तारी विद क्रिस्पो, यानी कि आपने क्या करना है, हैशटैग करना है, जब आप अपनी कोई भी क्रिस्पो से आपने प्रोडक्ट बनाई है वो ले लें, साथ साथ आपने उसकी पिक्चर लेनी है हमारे क्रिस्पो के डब्बे के साथ या किसी भी पैकिंग के साथ, और वो हमें आप टैग कर दें, हैशटैग यूज़ करना है क्रिस्पो स्नैप कॉन्टेस्ट, तो आपको मिलेगा एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर। इसी के साथ साथ हमारी स्पैगेटी भी हो गई है बॉयल, तो इसको भी मैं स्ट्रेन करने जाऊँगी। जी जनाब, तो हमारी जो ये स्पैगेटी है ये बॉयल हो गई है, साथ साथ इसको मैं स्ट्रेन करूँगी। अच्छा, स्ट्रेन करने से पहले हम अपने कीमे में जो सामान डालना है ना, बस जल्दी से झटपट से वो डाल देते हैं, ठीक है। प्याज में मैंने कीमा डाला, साथ साथ टमाटर डाले, इसको मिक्स किया। अच्छा, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, या गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, या चाहें तो गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। गार्लिक पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं डालती तो मैं गार्लिक पाउडर कम डालती, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ साथ पिसा हुआ धनिया हम डालेंगे इसके अंदर अराउंड 1 टेबल स्पून, ज़ीरा क्यूमिन पाउडर या क्यूमिन 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, अच्छा क्योंकि हम बना रहे हैं कोकोनट कड़ी खौसे, तो अब हमें इसके अंदर ऐड करना है कोकोनट मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर का साशे आपको इजीली अवेलेबल मिलता है, और अगर आपके पास जो है वो लिक्विड वाला कोकोनट मिल्क है तो आप उसके अंदर भी ये शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इसको हम मिक्स करते जाएंगे। जब भी आप इस तरह का कोई भी काम करें ना, आप हैंड मिक्स का इस्तेमाल करें, ये देखिए। चलें जी, बस ये हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी, चिकन भी हमारी आपके सामने, हमने इसको गलाने रख दिया है। सो इसी के साथ साथ हमारा चिकन का सालन हमने इसको कवर करने रख दिया, जब तक हमारी कड़ी रेडी, और ये स्पेगेटी हमने बॉयल करके रख ली थी। साथ साथ यहाँ पर कुक विद क्रिस्पो में टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं कुक विद क्रिस्पो, और रमज़ान के स्पेशल रेसिपीज़ चल रही है, और रमज़ान जो है वो आपको पता है कि हमारा ट्रेडिशन इवेंट है, और इसमें हम जो है वो बहुत ज़्यादा मशगूल होते हैं अपनी इबादतों में, तो अल्लाह ताला कबूल करे, और साथ साथ हमारे घरों में गेस्ट का आना जाना होता है, मेहमानों का आना जाना होता है, इफ्तार पार्टीज़ हो रही होती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है यहाँ पर। और क्रिस्पो पास्ता फैमिली फेवरेट, क्रिस्पो रेंज है स्पेगेटी पास्ता मैक्रोनी जेली कस्टर्ड वर्मेसली और सूप की, हम बना रहे थे यहाँ पर खौसे कड़ी मैंने तैयार कर दी थी, साथ साथ चिकन जो है वो अब हमारी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही कुक हो गई है, चूल्हा मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ, इसके अलावा कड़ी का चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया। एक काम हमने करना है यहाँ पर, ठीक है जी, स्टोव को हमने ऑन करा है, साथ साथ हम क्या करेंगे, एक अदद पैन रखेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल से हम क्या करेंगे, ऑयल को आपने गरम करना है, इसके अंदर हम फ्राई करेंगे, क्या चीज़ फ्राई करेंगे, हम फ्राई करेंगे गार्लिक को और कड़ी लीव्स को, ठीक है। तो ऑयल को गरम होने देंगे, भगार का तरीक़ेकार यही होता है, जब आपका ऑयल गरम हो जाए तो आप इसके अंदर ऐड करिएगा। तो अब हम इसमें ऐड करें गार्लिक। अच्छा, साथ साथ जो है वो हमारे पास ये सर्विंग प्लेटर मौजूद है, ब्रेक में मैंने जो स्पेगेटी क्रिस्पो पास्ता की बॉयल करी थी फैमिली फेवरेट, वो मैंने इस तरह से एक रिंग में रख दी है, साथ 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 मैं इसके अंदर कड़ी ऐड करूँगी, ठीक है। कड़ी हम इसके साइड्स में ऐड करेंगे, अब हमने कड़ी ऐड कर दी है, चिकन का जो सालन है वो ऐड करेंगे, गार्लिक्स का भी ख्याल रखना है आपने कि ये बहुत ज़्यादा
बर्न ना हो जाए, बस हमने इसको गोल्डन करना है। चूल्हा बंद कर दें, बंद करते साथ ही आप इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दें और थोड़ा सा पीछे हट जाएं। इसको हमने फ्राई करके ये हमने बघार तैयार कर लिया, ये खुद ही जो है वो कलर छोड़ेगा अच्छा सा, तो इसको इसी पे रहने देंगे, ठीक है। और साथ साथ हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम चिकन की लेयर बिछाएंगे। चिकन का जो हमारे पास कीमा मौजूद है, चलिए अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे हरा धनिया की, साथ साथ हम पुदीना, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास चेवड़ा है वो हम इस पे, और हम ये पापड़ी इसके अंदर ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज हमने ले ली हैं चॉप, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। लेमन है हमारे पास, इसको आपने स्क्वीज करना है। और अब हम इसे बहुत आराम से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये हमने रिमूव कर लिया अपने रिंग को, और साथ साथ आप इस पर लेमन रख दें, और आप इसके ऊपर ये फ्लावर रख दें साइड में या ऊपर कहीं पे भी। तो इस तरीके से जो है वो हमारे मज़ेदार से खौसे तैयार हो गए। अच्छा, इसका भगार है वो हमने इस पे डालना है, तो आप चाहें तो इस पे ऑयल के साथ डालें, चाहें तो आप बग़ैर ऑयल के डालें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो मैं थोड़ा सा ऑयल पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारी कड़ी में आपको पता है ऑयल नहीं होता। हम बना रहे हैं इंस्टामैक सैलेड, कुकिंग का क्विक हैक इंस्टामैक। इंस्टामैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है वो मैक्रोनी बॉयल करनी पड़ेगी, साथ साथ हमें चाहिए इंस्टामैक स्पाइसी फ्लेवर, और हमारे पास है इंस्टामैक क्रीमी फ्लेवर। अच्छा, ये है स्पाइसी फ्लेवर, और मैं क्योंकि सैलेड बना रही हूँ तो मैं क्रीमी फ्लेवर से बनाती हूँ, ठीक है। आप कोई भी ऑप्शनल है कि आप कोई भी फ्लेवर यूज़ करें, दोनों से बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। साथ साथ हमने क्या करना है, एक वॉक लेना है, सॉस पैन ले लेते हैं, उसमें हम मैक्रोनी बॉयल करने रख देते हैं। पैन रखा हमने, ठीक है, और हमने रखा इसके अंदर पानी, पानी ले लिया हमने, और हमने क्या किया, इंस्टामैक मैक्रोनी है, और साथ साथ हमारे पास है क्या चीज़ है, हमारे पास है ये सॉस मिक्स। सबसे पहले इसको कट करेंगे, ठीक है जी। अब हम इसे डाल रहे हैं इसके अंदर, सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट डाला हमने अराउंड 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम सॉस बना रहे थे, सॉस के लिए हमने क्या करना है, सॉस के लिए हमने लेना है इंस्टामैक का साशे, और लेना है हमने मिल्क एक ग्लास मेरे पास मिल्क मौजूद है, साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं, क्रीम है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, सॉस हम बना रहे हैं इंस्टामैक की, हैंड विस्क लेंगे, दूध में आप ये डिज़ोल्व कर लें, विस्क की मदद से कर लें या आप ब्लेंडर की मदद से कर लें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे इसके मोर फ्लेवर के लिए। चलें जी, ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर दें हैंड विस्क की मदद से। हैंड विस्क जो है वो लगातार आपने इसमें चलाना है, और अब जो हमारे पास बॉयल की हुई मैक्रोनी थी वो हम इसमें तमाम की तमाम ऐड कर देंगे। ये हमने तैयार कर लिया इंस्टामैक कुकिंग का क्विक हैक इंस्टामैक, झटपट जो है वो रेसिपी बन जाती है, इंस्टेंट भूख का इलाज है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चलें ये तो हमारा इसके अंदर पक रहा है, साथ साथ हमने लेना है एक अदद बॉल, बॉल में हमने करनी है मिक्सिंग। मिक्सिंग किस तरह से होगी हमारी, एक अदद हम ले लेंगे स्पैचुला, यहाँ पर ली है हमने मायोनीज 1 कप, साथ साथ है मेरे पास क्रीम 1 कप,
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ये हमारा ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, साथ साथ गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, और हमारे पास है लेमन जूस 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, यहाँ पर इंस्टामैक हमारा रेडी हो गया है, चूल्हा आपने बंद कर दिया। आपने देखा कि कितना झटपट क्विकली हमने कुकिंग का क्विक हैक इंस्टामैक रेडी किया है। इसको आप ठंडा कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा जो है ना, आप इसे कोई भी हम सैलड्स बना रहे होते हैं ना, उसमें चीज़ों को आप ठंडा कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर मिक्स करें। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, और इसको ठंडा कर लिया थोड़ा सा हमने, और अब ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। ब्रेक में मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ जो है वो लेयर करूँगी इसके अंदर वेजिटेबल्स की, और इसके बाद इंस्टामैक आपके सामने डालूंगी। सो आपने कहीं नहीं जाना, कुक विद क्रिस्पो में टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं कुक विद क्रिस्पो। कुक विद क्रिस्पो में क्या होता है, क्रिस्पो पास्ता फैमिली डिलाइट, क्रिस्पो रेंजेस, स्पेगेटी पास्ता, मैक्रोनी, जेली, कस्टर्ड, वर्मिसरी और सूप की। जी जनाब, बनाए खुशी के हर ओकेजन को मोर फ्लेवर फन, और साथ साथ इंस्टामैक कुकिंग का क्विक हैक। इंस्टामैक से हमने बनाया है सैलेड। अब हम बना रहे हैं अपनी तीसरी रेसिपी, यानी कि बनाए खुशी के हर ओकेजन को मोर फ्लेवर फन, जो कि हमारी जेली। जेली के हमारे 5 फ्लेवर्स, जैसे कि हमारा स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल, हमारा ऑरेंज, हमारा बेरी, हमारा स्ट्रॉबेरी जेली। सो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है क्रिस्पो जेली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इससे हम बना रहे हैं मज़ेदार सा हेल्दी ड्रिंक बना रहे हैं। रिफ्रेशिंग भी है, हेल्दी भी है। हेल्दी यूँ है कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़, और यहाँ पर 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज मेरे पास हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हमारी जो स्ट्रॉबेरी जेली मिक्स है ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 ग्लास आपने पानी लेना है, 1 पैकेट आप क्रिस्पो स्ट्रॉबेरी जेली का ले सकते हैं, 1 अदद ले लेंगे प्लेट। और ये जेली हमारी बस तैयार हो गई है, इसको मिक्स करा हमने अच्छे से। पानी ऑलरेडी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, अच्छे से पक गई है। अब हम इसको निकालेंगे। और हम इसको जाएंगे फ्रिज में रखने। सो चलते हैं हम फ्रिज में। साथ साथ क्योंकि ये लाइव शो होता है और हमें चीज़ें झटपट से चाहिए होती हैं, तो मैंने क्रिस्पो की स्ट्रॉबेरी जेली पहले से बना के रखी हुई है। सो अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडर लेंगे। ब्लेंडर में हमने ऐड करना है स्ट्रॉबेरीज़ को। साथ साथ हमारे पास है सॉफ्ट ड्रिंक, आप वाइट वाली कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे जेली, जो कि हमारी क्रिस्पो की। इसको करते हैं ब्लेंड। चलें जी, अब हमारा जो है वो ये ड्रिंक भी तैयार हो गया है, और कितना क्विक, कितना इंस्टेंट हमारा ये ड्रिंक बना है। सो इसी के साथ साथ आपको हमारे आज का प्रोग्राम और तीनों रेसिपीज़ बेहद पसंद आई होंगी। और इसी तरह क्रिस्पो पास्ता का फेसबुक पेज है, क्रिस्पो पास्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट है, और हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल है क्रिस्पो पास्ता के नाम से। उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पेजेस को फॉलो कर लीजिए, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। और इसी के साथ साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का। सो मुझे क्रिस्पो पास्ता को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बेहद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए रखिएगा आप अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। कोकोनट करी खाओ से अज्जा। क्रिस्पो स्पैगेटी 1 पैकेट, करी के लिए अज्जा। बेसन 1/2 कप, मिल्क पाउडर 25 ग्राम, दही 1/2 कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हसबे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते हसबे जरूरत। चिकन ग्रेवी के लिए अज्जा।
चिकन का कीमा 300 ग्राम, बारीक कटी प्याज 2 अदद, बारीक कटे टमाटर 4 अदद, कुटी हरी मिर्च 2 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, होल स्पाइस पाउडर 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, पापड़ी 1 पैकेट, लहसुन के जवे 3 अदद, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, लीमू 2 अदद, चाट मसाला 4 खाने के चमचे, भेलपूरी मिक्स 1 पैकेट। तरकीब, क्रिस्पो स्पैकेटी उबाल कर ऑयल लगाकर रख दें। करी के लिए पहले एक पतीली में दही और बेसन घोलकर डाल दें, साथ ही कड़ी पत्ते, पिसा धनिया, चाट मसाला, लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके 20 मिनट पकने दें। चिकन ग्रेवी के लिए गरम तेल में प्याज, लहसुन और चिकन का कीमा डालकर भून लें, फिर टमाटर और तमाम मसाले शामिल करके पका लें। अब उबली क्रिस्पो स्पैकेटी डालें, फिर इसमें करी मिला दें, साथ ही भेलपूरी, पापड़ी, फ्राई किए कड़ी पत्ते, लहसुन, लीमू, चाट मसाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के सर्व कर दें। इंस्टा मैक सैलेड अज्जा, स्पाइसी इंस्टा मैक 1 पैकेट, मेयोनीज 200 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, बंद गोभी 1 अदद, ब्रोकली 1 अदद, गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 चाय का चमचा। तरकीब, स्पाइसी इंस्टा मैक उबाल लें। सॉस बनाने के लिए इंस्टा मैक पाउडर को 1 ग्लास दूध में मिक्स करें, एक पैन में मैकरोनी मिक्स करके सॉस मिला दें। अब मेयोनीज में क्रीम शामिल करें, साथ ही तमाम मसाले, इंस्टा मैक और सब्जियां शामिल करके सर्व कर दें। We'll be right back.